ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहा ईद मुबारक। उज्जैन में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल रहे। देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इसके बाद समाजजनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद पर्व की मुबारकबाद दी। गुरुवार को ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज ने ईदगाह सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। बकरीद कुर्बानी का पर्व है। नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कुर्बानी दी। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदार, दोस्तों और करीबियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते नजर आए। शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया कि नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ की। आज मुस्लिम समाज को कुर्बानी तीन हिस्सों में कर अपने पड़ोसी का ध्यान रखते हुए, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हुए, सभी में बांटना चाहिए। इस गांव पर हुई नमाज के बाद एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, एडीएम व कांग्रेस नेता रवि भदौरिया सहित अन्य नेताओं सहित अन्य अधिकारी जन भी मुस्लिम समाज जन को मुबारकबाद देने पहुंचे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और जहन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की कुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर कुर्बानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो कुर्बानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी कुर्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर कुर्बानी की है तो उसके तीन हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा, तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है कि नगर वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार सभी लोगों के लिए एक प्यार भरा संदेश लाए, सभी के परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार पूरे शहरवासियों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।